So we are discussing about objectives of the financial management. Till now we have covered profit maximization objective, and in that profit maximization objective, we discuss the main objective of any business is to make profit, but profit only does not help business organization to grow, because how you are earning profit, that is also more important. By charging high price and earning the huge amount of profit, or by utilizing poor quality of material and charging high price, reducing the expenses, making the exploitation of the people and customers and employees and earning profit, all these things are also important. So there are many arguments against profit maximization, that profit should not be only the objective of business. Apart from that, there should be the objective of the wealth maximization. See, here we are not talking about the objective of business. Here we are talking about objective of financial management. ये बात आप समझ ना, ये वाला point आगे भी आएगा, कोई इसी subject में कोई faculty आपको पढ़ाएगी कि business का objective क्या है. ये हम business के objective की बात नहीं कर रहे हैं. We are discussing about the objective of managing the fund. आपने लोगों का जो fund collect किया है उसके पीछे का आपका क्या objective होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं. तो एक तो simple point है, profit करना है उस पैसों से. अब more important objective है wealth. तो वेल्थ क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं, बाद में हम इसके ऊपर जाएंगे. सो द टर्म वेल्थ मीन्स शेयर होल्डर्स वेल्थ और द वेल्थ ऑफ द पर्संस दोज हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस कंसर्न. वेल्थ का यहां पे मतलब ले लिया है शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा यहां बिजनेस में दिया है हमको, दे आर द ओनर्स. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन, ये उसके दूसरे भी नाम है. शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी, तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने के लिए मैंने जैसे आपको बताया है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी. मार्केट वैल्यू देखना है यहाँ पे. जब आप बिजनेस से, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो फर्स्ट टाइम, तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं. एक तो आप शेयर मार्केट से खरीदो, जिसको सेकेंडरी मार्केट बताया जाता है, वहां पे आपको शेयर मिलेंगे मार्केट प्राइस से, मार्केट में जो रेट चलता होगा उस रेट से आपको शेयर्स मिलेंगे. आजकल तो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो चुका है, तो बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल है, हम ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो दैट इज स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी नए इक्विटी शेयर इश्यूज करती है, तो आप कंपनी में अप्लाई करो और आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी. दैट इज द प्राइमरी मार्केट. तो जब आप प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदते हो, तो आप फेस वैल्यू से खरीदोगे, जो कंपनी ने डिसाइड किया है, एक शेयर का 10 रुपया या तो एक शेयर का 100 रुपया, जो भी प्राइस डिसाइड किए वो प्राइमरी मार्केट है. एक बार शेयर अलॉट हो जाने के बाद उस कंपनी के शेयर का मार्केट में ट्रेडिंग होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होना चालू हो जाता है. अब जब मार्केट में शेयर का ट्रेडिंग होगा तो उसकी भी एक प्राइस होगी. एक प्राइस है हमारे पास फेस वैल्यू के, कंपनी ने 10 रुपये में शेयर सेल किया, इश्यू किया. अब सवाल ये बनता है कि मार्केट में शेयर कितने में सेल हो रहा है, 10 में सेल हो रहा है या 12 में हो रहा है, 15 में हो रहा है या 1 रुपये में हो रहा है. ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ है और होता भी है,
कि कंपनी 100 रुपीज का शेयर इश्यू करती है और उस कंपनी के शेयर की मार्केट में प्राइस 1 रुपया 2 रुपया बोलती है, होता है। और ऐसा भी होता है कि कंपनी ने 100 रुपये का शेयर इश्यू किया है और मार्केट में शेयर की प्राइस 1500 रुपये 1800 रुपये बोल रही है। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बिजनेस। सो शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ती है तो बढ़ेगी। स्टेक होल्डर्स वेल्थ, दैट इज द शेयर होल्डर्स वेल्थ इन द फॉर्म, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सिंपल रूल है कि शेयर होल्डर के पास कितने शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से। मान लो मेरे पास 1000 शेयर है किसी कंपनी के और मार्केट में उस शेयर की प्राइस मान लो 500 रुपीज चल रहा है। 1000 शेयर है मेरे पास कंपनी के, मार्केट में उस शेयर की प्राइस 500 रुपया चल रही है, तो मेरी वेल्थ हो गई 5 लाख रुपया। मान लो किसी कंपनी के मेरे पास 100 शेयर है और शेयर की प्राइस मार्केट में 50 रुपया चल रही है, तो 100 × 50 5000 हो गई। तो वेल्थ आप कैसे फाइंड करेंगे? वेल्थ फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब जैसे जैसे मार्केट प्राइस बढ़ेगी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, तो फाइनेंस मैनेजर को वेल्थ बढ़े ऐसे ट्राई करने हैं। हायर द स्टॉक प्राइस पर शेयर द ग्रेटर विल बी द शेयर होल्डर्स वेल्थ, दस अ फर्म शुड एम एट मैक्सिमाइजिंग इट्स करंट स्टॉक प्राइस विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर इन द मार्केट। तो ये हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन में ही करूंगा कि कंपनी के मार्केट प्राइस जो है शेयर की, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फाइनेंस मैनेजर के खाली इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे वो डिपेंड नहीं करती है, इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपने देखा यूक्रेन का वॉर चल रहा था या तो चल रहा है रशिया के साथ, तो इसको हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, पर इसकी इफेक्ट हमारे कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे पड़ेगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? फाइनेंस मैनेजर के डिसीजन पे डिपेंड करता है, बट नो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो उसके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं है, ये कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। सेकंड, इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट बदल जाती है, कांग्रेस की जगह पे बीजेपी आ जाती है, बीजेपी की जगह पे कोई और गवर्नमेंट आ जाती है, सीधी इफेक्ट कंपनी के शेयर के प्राइस पे पड़ेगी। हमको गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट, इट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसी गवर्नमेंट है उससे कंपनी पे इफेक्ट होता है, शेयर के प्राइस पे इफेक्ट होता है, खाली फाइनेंस मैनेजर के डिसीजन पे सब डिपेंड नहीं करता है। फिर अभी ये कोरोना आ चुका था, ऐसे एपिडेमिक्स आ जाते हैं तो इफेक्ट होगी शेयर के प्राइस पे, इफेक्ट होगी, मार्केट डाउन हो जाएगा, सेंसेक्स निफ्टी डाउन होगा, मार्केट प्राइस कम होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स है काम करते हैं जिससे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिसाइड होती है, बट ऑल दिस थिंग्स आर नॉट डिस्कस इन दिस सब्जेक्ट। इन दिस सब्जेक्ट वी आर डीलिंग ओनली विद द डिसीजंस टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर। अब जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसकी फेवर में लोग क्या बोल रहे हैं, तो देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिकॉज इट एम्स टू इंप्रूव द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। यहाँ पे शेयर होल्डर की वेल्थ की बात की है इसलिए बेटर ऑब्जेक्टिव है, वहां पे खाली कंपनी के प्रॉफिट की बात की थी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्स द टाइम एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड, तभी तो वेल्थ बढ़ेगा। टाइमिंग ऑफ रिटर्न आप ध्यान में रखते हो तभी तो आप वेल्थ बढ़ा पाओगे।
अर्ली रिटर्न इज अ बेटर रिटर्न. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट एंश्योर्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. हम पूरे शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, सारी समाज सोसाइटी की बात कर रहे हैं. हियर वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बेटर ऑब्जेक्टिव. अच्छा, उसकी अगेंस्ट में भी कुछ लोग हैं, उस अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट भी है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू द प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया ऑफ द बिजनेस कंसर्न बट इट मे नॉट बी सुटेबल टू प्रेजेंट बिजनेस एक्टिविटी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आपको बताया गया है कि आपको शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है, बट प्रैक्टिकल चीजें तो देखो, प्रैक्टिकली शेयर प्राइस बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है, तो वो सारा डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया गया है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग, इट इज ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इट इज द इनडायरेक्ट नेम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये बहुत बढ़िया बात बोली है किसी ने कि आपको वेल्थ बढ़ानी है तो आपको कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिविडेंड देना है तो आपको पहले प्रॉफिट करना पड़ेगा. तो जब आप प्रॉफिट करोगे तो डिविडेंड दोगे, जब आप डिविडेंड दोगे तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे पड़ेगी, शेयर प्राइस बढ़ेगी और वेल्थ मैक्सिमाइज होगी. पर स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्रॉफिट. प्रॉफिट होगी तभी तो डिविडेंड दोगे ना. मतलब यहाँ पे हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे तभी वेल्थ बढ़ पाएगी. सो इट इज अ गुड आर्ग्यूमेंट बाय समवन दैट इट इज नथिंग ओनली द नेम चेंज. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट इज अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओनली, बिकॉज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विल ओनली रिजल्ट इन टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स ओनरशिप मैनेजमेंट कॉन्ट्रोवर्सी एंड द अल्टीमेट एम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. वही जो ऊपर वाला पॉइंट है वही है. तो सम पीपल आर इन फेवर, सम पीपल आर इन अगेंस्ट, पर आपको एक बात याद रखनी है, दो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. एग्जाम ओरिएंटेड हमें जाना है. अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको आंसर देना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट आपको नहीं बताना है. ओके, तो ये हो गई बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की. अब हम जो स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट छोड़ा था उसके ऊपर आ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन दैट वी डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज रेजिंग ऑफ फंड एंड इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट. देन वी ऑल्सो लुक ऑन सम डेफिनेशंस. ये पॉइंट बाकी था, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. सी दिस टॉपिक सेज दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द डिफरेंट अदर एरियाज ऑफ द बिजनेस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर देन दैट मीन्स यू हैव नॉट टू मैनेज ओनली द फंड, यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. ऑल टूगेदर हैव टू वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. दिस टॉपिक सेज दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज क्लोज रिलेशन विद द डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो ये यहां पर हमें समझना है. इवन द मैथमेटिक्स and financial management has some relation. Economics has relation with the financial management. Accountancy and financial management are very close to each other. So here we will discuss the scope of financial management. That means what are the things covered in the financial management.
सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट, मतलब कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट जहां पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट जिसको आज लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, जहां पे वर्कर्स है, एम्प्लॉयज की बात होती है, एचआर, पर्सनल मतलब एचआर, मार्केटिंग, यू आर ऑल अवेयर अबाउट मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन, इवन अकाउंटिंग, ऑल दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड विद देम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स तो अच्छी तरीके से कहीं पे पढ़ा होगा, एमबीए कर रहे हो तो डेफिनेटली बीबीए में आपने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बहुत सारी थियोरीज भी पढ़ी होगी। तो उसका जो कुछ पोर्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूज होता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आर डायरेक्टली अप्लाइड विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्रोचेस। हम कुछ चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे जहां पे हमें इकोनॉमिक्स की बात करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। तो कुछ इकोनॉमिक्स के एरियाज हैं जिनकी हमें हेल्प लेनी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए। तो दिस पॉइंट सेज दैट द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड विद फाइनेंस ओनली, इट इज रिलेटेड ऑल्सो विद द इकोनॉमिक्स टॉपिक्स। देर आर सम टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। देखो अकाउंट आप सबको अच्छी तरीके से पता है, अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं इनकम, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, असेट, लायबिलिटी, ये सारी चीजें अकाउंट में आती है, आपको पता है डेबिट क्रेडिट। और अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यहाँ भी फाइनेंस की बात हो रही है।